नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। राजस्थान में भारी बारिश का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। दक्षिण पश्चिमी मानसून अब राजस्थान की दहलीज तक पहुंच गया है और बुधवार को राजस्थान की सीमा में भी मानसून की एंट्री हो गई है। इसके चलते मौसम विभाग ने आज और कल अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 24 घंटों के दौरान झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बारा, उदयपुर और प्रतापगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही सिरोही, पाली और बाड़मेर के भी कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना विभाग ने जताई। मौसम विभाग की माने तो आज रात में मानसून करीब आधे राजस्थान को कवर कर लेगा। हालांकि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जो हिस्से हैं वहां अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन प्री मानसून पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश दे सकता है। आपको बता दें, मौसम विभाग थोड़ी देर बाद यह जानकारी उपलब्ध करवाएगा कि मानसून 2020 अब की बार कौन से जिले से राजस्थान में प्रवेश किया है, क्योंकि खबरें यह भी आ रही है कि मानसून की एंट्री जैसलमेर के रास्ते हुई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक मानसून 2020 झालावाड़ के रास्ते प्रवेश करने वाला था। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल प्रदेश वासियों को लंबे समय से जिस पल का इंतजार था आखिरकार वह पल आ गया है। मानसून ने अब राजस्थान में दस्तक दे दी है। मानसून ने प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने करीब आधे प्रदेश को आज रात तक है वो कवर कर लेगा और मानसून की जो नॉर्दर्न लिमिट रेखा है वह जैसलमेर, पाली, सवाई माधोपुर से होती हुई उत्तर प्रदेश के मैनपुर, बिजनौर तक है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मानसून 2020 पूरे राजस्थान को कवर कर लेगा। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और उम्मीद यह भी है कि आज शाम तक राजस्थान के कई जिलों का मौसम है वो परिवर्तन होने वाला है। जैसा कि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में मानसून की एंट्री 23 से लेकर 25 जून तक होगी और वैसा ही देखने को मिला है। मानसून 2020 लगभग तय डेट पर ही राजस्थान में प्रवेश किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।